कोई भी सरकार अपने स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर हालातों को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई ही रहेगी। ये तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं, ये यूपी के श्रावस्ती जिले से सामने आई है, जहां सरकारी दवाओं का बड़ा जखीरा एक तालाब के पास पड़ा हुआ नजर आया, जिसमें सरकारी दवाओं से लेकर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कोविड किट, एचआईवी किट, ऐसी तमाम सामग्रियां जो लोगों के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करके अस्पतालों में भेजती है, लेकिन यहाँ पर अस्पताल के बजाय ये नालों के पास पड़ी हुई नजर आ रही है। ये मामला श्रावस्ती जिले के ड्रग वेयर सेंटर के पास का है, जहां पर सरकार की तरफ से भेजी गई लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कोविड और एचआईवी टेस्टिंग किट जैसी तमाम सामग्री तालाब के किनारे पड़ी हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि श्रावस्ती आकांक्षी जिला है और यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है, लेकिन यहां के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सरकार को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। सरकार लाखों रुपए की दवाइयां और मेडिकल किट भेजकर गरीब और मरीजों के लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोविड काल और आम दिनों में कोविड टेस्टिंग किट, एचआईवी की तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। वहीं आज तमाम चीजें कूड़े के ढेर में पड़ी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के बड़े जिम्मेदारान मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों यहां के सीएम शारदा प्रसाद तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूस लेते हुए भी वायरल हो गया था, जिसे अब वो मीडिया से कन्नी काटते हुए नजर आए। जबकि इस प्रकरण में जांच करके कार्रवाई करने का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी आदेश दिया था, लेकिन कार्रवाई आज तक ठंडे बस्ते में नजर आ रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और उनके कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। एक तरफ सीएमओ साहब घूस लेते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह दवाइयों और मेडिकल किट की बर्बादी होती है। कई बड़े सवाल तो खड़े होते हैं, लोग त्रस्त हैं, बेहतर इलाज चाहते हैं, और जिन पर इलाज की जिम्मेदारी है वो लाखों टैक्सपेयर की मेहनत की कमाई को इस तरह से जाया कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा और इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी।